हरे कृष्णा। अक्सर भक्तों के मन में ये प्रश्न उठता है कि कार्तिक मास पड़ा है या पुरुषोत्तम मास उत्तम है। पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, तो सब कहते हैं कि अरे ये तो 3 वर्ष में एक बार आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अवश्य इसका पालन करना चाहिए। और कोई कोई कहता है कि नहीं नहीं कार्तिक मास जो है उसको हमें अधिक इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो आखिर दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा उत्तम है, कौन सा ज्यादा बड़ा है, तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, पुरुषोत्तम मास जो है वो नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है, पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, मतलब कि भगवान कृष्ण ने इसको अपना नाम दिया है। 3 वर्ष में एक बार आता है, तो ये भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय मास है, द फेवरेट मंथ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और कार्तिक मास जो है वो वर्ष में एक बार आता है, ये इसको किसने अपना नाम दिया है, श्रीमती राधा रानी जी ने। तो राधा रानी जी का एक नाम है कार्तिका, तो वृषभानु और कीर्तिदा की जो पुत्री हैं उनके नाम पे पड़ा ये कार्तिका, कार्तिक मास। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर श्रीमती राधा रानी जी और भगवान कृष्ण के बीच में कॉम्पिटिशन होगा तो कौन जीतेगा, एक है शक्ति एक है शक्तिमान, कौन जीतेगा, राधा रानी जी जीतेंगी। तो राधा रानी जी, हम जो गौड़ी वैष्णव हैं, गौड़ी वैष्णव हम भगवान कृष्ण को क्यों जानते हैं, क्योंकि राधा रानी जी उनको जानती हैं, क्योंकि राधा रानी जी उनकी सबसे प्रिय भक्त हैं, सबसे ज्यादा उनसे प्रेम करती हैं, इसलिए हम भी कृष्ण से प्रेम करते हैं। अगर राधा रानी जी बोल देंगी हमें कि कृष्ण डज नॉट एग्जिस्ट, आई डोंट बिलीव इन कृष्ण, मैं कृष्ण से प्रेम नहीं करती, तो हम भी कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे। वी आर दी फॉलोअर्स ऑफ श्रीमती राधा रानी जी, जैसा जैसा राधा रानी जी बोलेंगी वैसा वैसा हम करेंगे। आप अगर जाएंगे वृंदावन में जाएंगे या बरसाना में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि कोई भी हरे कृष्णा या जय श्री कृष्णा नहीं बोलता है, वहां पर क्या बोलते हैं सब लोग, राधे राधे, वहां पर सिर्फ राधा रानी को जानते हैं। एक बार एक ब्रजवासी मिले थे हमसे, तो वो बता रहे थे कि हमसे जब ऐसे बात हुई तो कहते हैं कि कृष्णा कौन है, कृष्णा हमें ना पता कौन है कृष्णा, हम तो राधा रानी है जाने। तो मतलब कि उनका वो भाव है कि राधा रानी जी से इतना ज्यादा अटैचमेंट है उनका कि कृष्ण को जानते भी नहीं कौन है कृष्ण, और अगर जानते भी हैं तो केवल और केवल श्रीमती राधा रानी जी की वजह से जानते हैं। तो राधा रानी जी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस, और क्योंकि राधा रानी जी सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं भगवान कृष्ण से और सबसे उत्तम भक्त हैं, इसलिए हम भी भगवान से प्रेम करते हैं और उनके भक्त बनने का प्रयास करते हैं। तो इस हिसाब से कार्तिक महीना जो है वो उत्तम हो गया। हालांकि देखिए, पुरुषोत्तम मास कार्तिक मास कोई अंतर नहीं है, है ना, एक भगवान कृष्ण एक श्रीमती राधा रानी जी, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन स्टिल अगर जैसे हम भाव की बात करें तो हमारे लिए वो उत्तम हो गया। तो कार्तिक व्रत शुरू हो रहा है कल से, यानी कि 20 अक्टूबर 2021 से कार्तिक मास शुरू हो रहा है और 19 नवंबर 2021 तक चलेगा। तो इस मास में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कैसे व्रत का पालन करें, क्या चीजें जो हैं हम डिस्कार्ड करें, क्या चीजें हम जो हैं अपनाएं, इसके बारे में डिटेल में हम आपको कल बताएंगे। कल से कार्तिक मास शुरू होगा 20th अक्टूबर 2021 से, और कल हम आपको ये गिफ्ट देंगे कि कार्तिक मास में आप क्या क्या करेंगे। तो 21 फैक्ट्स हम लेकर आ रहे हैं आपके साथ कार्तिक मास से रिलेटेड। कार्तिक मास को दामोदर मास भी बोलते हैं, तो दामोदर मास या कार्तिक मास से रिलेटेड 21 फैक्ट्स हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन कल कार्तिक मास शुरू होने पर। ओके, तो मिलते हैं कल। हरे कृष्णा। आपके जो भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर जनरल कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते। तो इंस्टाग्राम की आईडी हमने दे दी है स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो जो भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं आप इंस्टाग्राम में अगर पूछिए, और जो भी कॉमन क्वेश्चंस हैं जनरल हैं वो आप यहीं पर कॉमेंट बॉक्स में ही पूछिए, ताकि हमारी टीम आपको उसका जवाब दे सके। थैंक यू। हरे कृष्णा।